बारिश सच में बहुत तेज हो रही है गुरु। अगर जिम करने गए तो नहा के आ जाएंगे। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और मैं पिछले 5-15 से परेशान हूँ कि बारिश अब रुके और दिमाग लगा रहा हूँ कि रेनकोट पहन के जाऊँ तो फिर पार्क में कैसे करूँगा। एक मन कह रहा है कि जाऊँ और बारिश में एक्सरसाइज करूँ, रनिंग करूँ। फिलहाल के लिए मैं पानी पी रहा था, बाहर तो जा नहीं सकता अपनी जगह पे, तो अंदर ही पी रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, तो आज घर पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए बराबर से पानी पी लेते हैं और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। अब इन 4 दीवारी के अंदर इतना मज़ा नहीं आ रहा था एक्सरसाइज करने का जितना पार्क में आता है, पर कर भी क्या सकते हैं, बारिश इतनी तेज पड़ रही है तो फटाफट से यहीं फिनिश कर लेते हैं। एक्सरसाइज तो फिनिश हो गई है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद फटाफट से ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। घर में वो मज़ा नहीं आता लेकिन एक्सरसाइज करने का जो पार्क में आता है। अब मैं नहाने जा रहा था लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद मैं ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूँ, तो अभी नहाया नहीं हूँ, इसको खाने के बाद खाऊंगा। लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है। दोस्तों क्या था कि कल हालांकि हमने GS2 कंप्लीट किया था, पर GS1 के जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो मैंने बुक से कवर किए थे, और लेकिन उससे पहले भी मैंने हिस्ट्री के नोट्स बनाए हुए थे जो टेलीग्राम पे वीडियोस पड़ी रहती है ना अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की या यूट्यूब से। तो ये सर प्रतीक नायक जी की वीडियोज़ थी, टेलीग्राम पर पड़ी थी, यूट्यूब पर भी पड़ी हैं, तो वहीं से नोट्स बनाए थे। तो मैं उन नोट्स का रिविज़न कर रहा था कि देखिए हिस्ट्री पार्ट 1, तो वीडियो के थ्रू यहाँ से अंडरस्टैंडिंग ले रहा था, उसके बाद अपने आंसर को यहाँ से जोड़ रहा था। मतलब ये जो डाटा बता रहे थे वो डाटा मैं पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ उन मेंस के क्वेश्चंस में जो मैंने पिछले 5 साल के पढ़े थे, समझ गए। तो अब वही कर रहा हूँ, मैंने कॉफ़ी बनाने रख दी है, कॉफ़ी बन रही है, जैसे बन जाएगी मैं लेके आ जाऊँगा। सर भी ब्लैक कॉफी पी रहे हैं। अब ये बात मुझे नहीं पता कि मुझे ही ऐसा लगता है या हम सबको लगता है कि जो जो हमने पहले पढ़ा है शायद हम सब भूल चुके हैं, और इस बहम में हम उसी सब्जेक्ट को दोबारा दोबारा पढ़ते रहते हैं, लगता है ना। पर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली तुम्हें सबसे पहले वो सब्जेक्ट कंप्लीट करने चाहिए जो तुमने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़े।
हालांकि जीएस के मैंने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे मेंस के आंसर ऐसे हों जो सबको बीट कर दें, इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में डाटा हो, चाहे मैं 3600 से लेके इकट्ठा करूँ। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है खाना खाने का, तो फटाफट से चल के खाना खा लेते हैं। दाल और राइस तो मैंने बना ही दिए थे। बारिश बहुत तेज़ पड़ रही है तो पढ़ने का भी मज़ा आया, लेकिन बारिश में ना नींद आने जैसा भी होता है। फिलहाल के लिए चलिए चल के खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मैं सो गया था, पता नहीं कैसे। अरे यार, हर जगह गीला गीला हुआ पड़ा है, कहाँ बैठूँ मैं। बारिश के कारण सब गीला हुआ पड़ा है। हाय, गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अभी सो के उठाऊँ। खाना खाने के बाद थोड़ा बाहर गया, उसके बाद आने के बाद सो गया था। यूजुअली मैं नहीं सोता हूँ, लेकिन आज सो गया था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। शायद मैं थक बहुत ज़्यादा गया था। रोज़ाना सुबह 5 बजे उठना और रोज़ाना रात को 10-10:30 बजे सोना, और कल रात तो मैं वैसे भी लेट सोया था, लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी शाम हुई है, बारिश हल्की हुई है, तो मैं कॉफ़ी लेके बाहर बैठा हूँ, क्योंकि सच में बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे। हर एक जगह गीली है, बैठने को जगह नहीं बची है। ये देखो, प्लांट सारे सब में पानी भरा पड़ा है, इतना पानी की जितनी इन्हें ज़रूरत भी नहीं है। फिलहाल के लिए कॉफ़ी फिनिश करता हूँ, फिर मिलता हूँ तुम्हें उसके बाद। अभी टाइम हो रहा है शाम के 8:20, ठीक है। ये मैंने अमेजोन से पार्सल मंगाया था, तो मैंने सोचा ये देखो, मैंने अभी फाड़ा है और ये खुला हुआ बॉक्स आया है, ठीक है। ये बाओ का ओमेगा 3 है, देख सकते हो, पर ये पैक्ड है। सील्ड है। ओमेगा 3 अच्छा होता है बॉडी के लिए, खाना चाहिए। फिलहाल के लिए चलिए। तो अभी ये टाइम होता है मेरा रिव्यू करने का, जो डे मेरा कैसा गया है, उसके बाद खाना खाऊंगा। फिलहाल के लिए चलिए डे को रिव्यू करते हैं। हालांकि कल वाले ब्लॉग में मैं बिजनेस प्लान बताना भूल गया था, पर मैंने कमेंट पढ़ी तो मुझे याद आया, तो मैं इस बार दोनों बता रहा हूँ, डे 2 का भी और डे 3 का भी। दोस्तों, जो मैं बिजनेस प्लान बताता हूँ आप उन्हें लिख लिया कीजिए, कहीं ना कहीं आपकी मदद जरूर करेंगे। अब क्या ही बताऊं कि सोने चला ही गया था, लेकिन इमरजेंसी आ गई। अब इमरजेंसी क्या थी तुम खुद देखना।
टाइम तो ये सोने का था पर टूथपेस्ट खत्म हो गया था और खत्म हो गए थे ओट्स, तो मुझे ओट्स भी लेके आने थे और ये टूथपेस्ट भी। टूथपेस्ट तो मिल गया पर ओट्स नहीं मिले। ओट्स लेने के लिए मैं सुबह जाऊँगा सुपर मार्केट। तो अभी फिलहाल ये टाइम है सोने का और मैं जा रहा हूँ सोने। अरे याद आया, ड्राई फ्रूट्स रह गए भिगोने के लिए, चलिए ड्राई फ्रूट्स भिगो लेते हैं। दोस्तों ये है वो बॉक्स जिसमें मैं ड्राई फ्रूट्स रखता हूँ। ये पूरा बॉक्स ही मेरा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये भिगोया मैंने अंजीर, काले चने, सोयाबीन, मूंग दाल, छुआरे, बादाम और ये किशमिश। ठीक है, इतने ड्राई फ्रूट्स मैं भिगो के सुबह रख देता हूँ और जब सुबह ही इन्हें खाता हूँ तो इसके साथ साथ मैं जो पीनट्स होते हैं और पम्पकिन सीड्स को दोनों को फ्राई करता हूँ और इन्हें ऐसे ही खाता हूँ, कभी कभी इन्हें भी फ्राई कर लेता हूँ। फिलहाल के लिए ड्राई फ्रूट्स मैंने भिगो दिए हैं, कोलगेट में लेके आ गया हूँ, खाना मैंने खा लिया है। तो ये टाइम है अब सोने का, मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगा तो लाइक करना, लाइक ज़रूर कर देख रहे यार, बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ अच्छा। और बाकी ये बर्तन तुम देख सकते हो गंदे हैं, सुबह करेंगे जो भी खा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ सोने, देख।